ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में रहने वाली एक महिला के संग अजीबोगरीब हादसा हो गया। जी हाँ, ऐसा हादसा जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। दरअसल एक सुबह उठने के बाद महिला जब नाश्ता बनाने गई तो टोस्टर के अंदर से अचानक जोर जोर से आवाजें आने लगी। बता दें कि ये कहानी सेलिना डेविस नाम की एक महिला की है, जिसे एक दिन अपने घर में इंग्लिश मफिन्स बनाने के दौरान जोरदार झटका लगा। जब महिला ने टोस्टर का स्विच ऑन किया तो उसमें से जोर जोर से आवाजें आने लगी। इसके बाद सेलिना ने टोस्टर को बंद किया और जैसे ही उसके अंदर झांक कर देखा तो वो बहुत चक्की हो गई। दरअसल उसने देखा कि टोस्टर के अंदर एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ था। वो जिंदा था और ये आवाज़ उसी सांप की थी, और उसे एहसास हुआ कि टोस्टर ऑन कर वो एक जिंदा सांप को पका रही थी। अजगर को देखते ही सेलिना जोर से चीख पड़ी और उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। पार्टनर आते ही टोस्टर को बाहर ले गया और सांप को झाड़ियों में फेंक दिया। सेलिना का कहना है कि उस घटना के बाद से मैं बुरी तरह डरी हुई हूँ। उस डरावनी आवाज़ को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। उस घटना के बाद से अब तक मैंने उस टोस्टर को इस्तेमाल नहीं किया। यह वाकई बेहद डरावना है दोस्तों। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।